दादरा नगर हवेली पुलिस ने मसाट क्षेत्र में हुई हत्या के मामले को 24 घंटों के भीतर सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दादरा नगर हवेली के SP हरेश्वर स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि राम प्रताप देवी दयाल सिंह उर्फ छोटू हाल सामरवर्णी के स्कूल फलिया में रमेश पटेल की चौल में अकेला रहता था। शनिवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने राम प्रताप देवी दयाल सिंह उर्फ छोटू की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। चाल मालिक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव पुलिस उप महानिरीक्षक विक्रमजीत सिंह ने पुलिस अधीक्षक हरेश्वर स्वामी और SDPO मनस्वी जैन की देखरेख में सिलवासा पुलिस थाना प्रभारी सबास्टियन देवासिया और मसाट आउटपोस्ट इंचार्ज PSI अनिल टीके की टीम बनाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत जांच पड़ताल शुरू की गई। पूरी तरह से ब्लाइंड मामले में किसी तरह का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था। पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए मसाट और उसके आसपास घेराबंदी करने के साथ ही कई लोगों को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया था। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि माया नामक एक व्यक्ति इसमें संदिग्ध है और वह लापता है। पुलिस की टीम ने नीरज कुमार शिवमुखी शाह उर्फ माया को लुहारी नरोली के जंगलों में से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ पर नीरज कुमार शिवमुखी शाह उर्फ माया ने राम प्रताप देवी दयाल सिंह उर्फ छोटू की हत्या करने की बात कबूल ली थी। जांच में पता चला कि नीरज कुमार शिवमुखी शाह उर्फ माया ने किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और शराब के नशे में धुर्त माया ने राम प्रताप के पेट में चाकू घोंप दिया था, जिसके बाद उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। छोटू को श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू को भी जब्त कर लिया है। 5 फरवरी को रात 11:30 बजे 108 से एक कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में ट्रांसफर हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि किसी एक अनजान व्यक्ति को चाकू से मारा गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि एक व्यक्ति जिनका नाम राम प्रताप देवी दयाल सिंह, एज 32, रेसिडेंट बेसिकली फ्रॉम बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP, जो अभी समरवानी एरिया में किसी चौल में रह रहे थे, उनको चाकू से मारा गया है। और जब हॉस्पिटल में ले जाया गया, ही वॉज डिक्लेयर ब्रॉड डेड। जिस एरिया में ये हुआ था, वो एरिया में कोई CCTV कैमरा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोकेलिटी वाला एरिया नहीं था, मसाट एरिया में ही हुआ था, मसाट कैनाल के पास। और फर्दर इंक्वायरी के बाद ये भी पता चला कि जो विक्टिम डिजीज्ड है, उन्होंने अपना मोबाइल जो है घर पे ही छोड़ा था। तो इन अ सेंस दिस वाज वेरी ब्लाइंड केस, क्योंकि कोई भी केस में फर्स्ट चीज जो देखी जाती है मोबाइल फोन या कोई आसपास का CCTV फुटेज। तो उस हिसाब से इसमें कोई किसी तरह का क्लू नहीं था। लास्ट सीन भी जो था, जिन्होंने लास्ट उसको देखा था, वो भी आधा घंटे पहले उस लोकेशन से निकल चुका था। और जब इनको चाकू मार दिया, तब एक 50 मीटर दूरी तक वो राम प्रताप देवी दयाल सिंह ये भागते हुए वहाँ पे गए। और एक व्यक्ति रोड पे जो सो रहा था, वो उठा और उसको बताया कि मुझे चाकू से मारा है, और ही फेल डाउन और फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो बेसिकली कोई क्लू किसी तरह का, जो टेक्निकल एविडेंस जो हम देखते हैं, वो इस केस में नहीं था। बट थैंक्स टू द रोबस्ट इंटेलिजेंस ऑफ आवर लोकल पुलिस, जो SHO सिलवासा हैं सेबास्टियन, और चौकी इंचार्ज रखोली एंड मसाट PSI अनिल TK, ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर बाद में हमें ये पता चला कि वो जो मसाट कैनाल वाला एरिया है, वहाँ पे चौल ओनर जो ये राम प्रताप सिंह जहाँ पे रहता था, उसके मालिक ने दो लोगों को ले जाके वहाँ एक मिट्टी का कुछ काम करवाना था, वो शुरू किया था रात के करीब 9:30-10 बजे, और 40-50 मिनट का काम होने के बाद सब लोग वहाँ से निकल गए थे।
और पीछे राम प्रताप रुका हुआ था, एंड उसके बाद एक तीन चार लड़कों का ग्रुप वहाँ पे ड्रिंक कर रहा था उसके आसपास के एरिया में, और उससे एक नीरज कुमार शिवमुनि शाह नाम का लड़का, जिसको माया के नाम से भी जाना जाता है एरिया में, जिसकी उम्र 18.5 साल है, वो वहाँ से नशे की हालत में वहाँ गुजर रहा था, और इन दोनों के बीच में, राम प्रताप और माया के बीच में कुछ बोलाचाली हुई, कुछ क्वारल हुआ, और उसके उपरांत माया ने जो है चाकू मार दिया। ये हमें इंट्रोगेशन में और इंटेलिजेंस से पता चला। फर्दर हमें ऐसा भी एक व्यक्ति मिला जिसको इन्होंने माया ने फोन करके खुद कन्फेस भी किया था मॉर्निंग में कि मैंने किसी को चाकू मारा है, और वहाँ से मौके से भागते हुए भी एक व्यक्ति ने उसको देखा था। तो बहुत सारे लोगों की इन डेप्थ इंट्रोगेशन के बाद क्लू से क्लू मिलते गए, और विद इन ऑलमोस्ट 36 आवर्स वी कुड कैच द एक्यूज्ड इन दिस केस। अ स्मॉल क्वारल हैपेंड ओवर देयर और उसने वो चाकू मार, उसने पुलिस के सामने भी ये जुर्म कबूल किया है, और अपने दोस्तों के सामने उसने पहले ही ये बोल दिया था कि मैंने कल रात किसी को चाकू मारा है। तो कोई डायरेक्टर वगैरह इसमें कुछ हुआ नहीं होगा उसका जो मरा है उसका क्या नहीं मिला होगा? डायरेक्टर तो कालीन बयान वगैरह कुछ तो दिया नहीं होगा हमें कौन मारा नहीं, वो जब तक हॉस्पिटल में पहुंचाया गया तब उससे पहले ही डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी ही, तो डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन वाला ऐसा कोई स्टेटमेंट बयान या रिकॉर्ड नहीं किया गया है। इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री होता है नहीं, अभी तक तो कोई नोन इसका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, 18.5 साल ही उम्र है। एक सर की बातें होती है सर कि असल में अचानक चाकू मार दिया होगा बात बात में, तो इसका मतलब कि भी बड़ा कुछ होगा पहले से चाकू वगैरह कहाँ से जितना इन्वेस्टिगेशन हमने अब तक किया है, जितनी फैक्ट्स हमारे सामने आई है अभी तक, तो वो एक दूसरे को जानते नहीं।